खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 17 मई है और दिन है मंगलवार। आज की दोपहर अपडेट ये है कि सरसों के बाजार में कल के मुकाबले कुछ ना कुछ गिरावट दिखाई दे रही है। हो सकता है कि बाजार 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक डाउन चला जाए, और जो जयपुर का बाजार है उसमें भी 50 रुपए तक की गिरावट दिखाई दे रही है। 50 से थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है, प्लस होने की संभावना कम है। इसी तरह कल सलोनी का प्लांट बंद था, कल अवकाश था बुद्ध पूर्णिमा के कारण, और आज जब बाजार खुलेगा तो ऐसे लगता है कि 50 रुपए बाजार डाउन जा सकता है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और तापमान बहुत से इलाकों के अंदर 45 से ऊपर है, कहीं कहीं 50 को टच कर रहा है। इसलिए सरसों के तेल की डिमांड कमजोर है। डिमांड कमजोर होने के कारण सरसों की कीमतें नहीं बन पा रही है। हालांकि आवकों का प्रेशर नहीं है मंडियों में, आवकें वही 5 लाख गट्टे के दायरे में हैं, आज भी वही दायरा रहने की संभावना है। लेकिन कॉटन बाजार के अंदर अच्छी तेजी चल रही है। खेत खजाना के हर बुलेटिन में, हर अंक में, हर यूट्यूब के हर विश्लेषण में बार बार मैं निवेदन करता रहा हूं कि कॉटन का बाजार, नरमा कपास का बाजार कभी भी 14,000 से ऊपर का स्तर देख सकता है। आज भी उत्तर भारत की मंडियों में 14,000 से ऊपर के स्तर पर नरमा की बोलियां हो रही हैं। सिरसा में आज 14,300 से ऊपर का कारोबार हुआ है और आदमपुर में भी 14,200 से ऊपर का कारोबार दिखाई दे रहा है। ये सब चीज़ें हमारा जो विश्लेषण है, ये सब चीज़ें हमारे डेली बुलेटिन न्यूज़पेपर में छप रही हैं। आप उसको व्हाट्सएप पे अपने साथ जोड़ करके, उसकी सदस्यता लेकर के, उसकी मेंबरशिप लेकर के आप लाभ उठा सकते हैं। विस्तार से वीडियो शाम को 6 बजे।